अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू विदर्श चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सब ठीक होगे। तो आज है हमारा अजमेर में डे सिक्स, छठा दिन, और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। आज हम लोग की फ़्लाइट है, रात की फ़्लाइट है ना, 12 बजे की फ़्लाइट है। तो आज लास्ट दिन है हमारा अजमेर में, जाने का मन भी नहीं कर रहा है ना, नो अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो रूम है हमारा, अभी हम खाली कर दिए इसको पूरा, वैनिट बैग वगैरह सब रख दिए, दूसरे रूम में, सामने वाले रूम में रख दिए, कमर के रूम में रख दिया, क्योंकि हमारे रूम का टाइमिंग इतना ही था। तो हमारे हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से 6 बजे ही। पहले आज फ्राइडे भी है, तो पहले जाएंगे दरगाह में, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, दुआ वगैरह करेंगे, और फिर देखते हैं क्या है। और हाँ, नियाज वगैरह भी लेने का है ना, नियाज वगैरह लेने का है, और बहुत सी चीज़ें करने का है आज, क्योंकि हमारा 6 बजे की टाइम है आज। तो चलो अभी जाते हैं दरगाह में। हमारा रूम सामान्य मन सब रख दिए आज इतने। चलो ये है ड्राइवर पे, वो सामने वाला रूम है उनका। जस्ट मेरी नमाज हो गई है, माशाल्लाह सब नमाज पढ़ने बैठ रहे हैं। माशाल्लाह अंदर जाने के लिए देखो, ज़ारत के लिए जाने के लिए कितनी बड़ी लाइन है। ज़्यादा लाइन है उधर से, फिर स्टार्ट हुई है लाइन और पूरी इधर तक है। मतलब कवाली हो रही है। गाइस ये कौन है बारा बीच बीच में आ रहा है, क्या मालूम। अरे कौन है ये बीच बीच में आ रहा है बार बार, क्या कुछ भी आवा तेरे। ओए हेलो यार, कल लो भाई आजा साहब की नियाज का डाल दो, कल लेगा नियाज का पैसा पाए क्या, नियाज का डाल दो गरीब वाले। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डेक के पास, और ये लड़का कौन है, क्या उन्होंने पीछे पीछे आ रहा है सब जगह पे मेरे पीछे, तू मार रहे, मैं आगे चल, तू मार रहे मेरे पीछे, ज्यादा और मत बनो, झगड़ा करने आता है फिर बस। माशाल्लाह कुछ डालो जरा, अल्लाह तुमको ही डाल दो अंदर। मेरा बस चले तो। तो गाइज अभी हम लोग दूसरे ही डेक पे जाएंगे, ये बड़ी डेक, ये इग्नोर करो, ये इग्नोर करो, ये बड़ी डेक है, और उधर है छोटी डेक, छोटी डेक के पास जाएंगे अभी हम लोग। और गाइस पब्लिक देखो सिर्फ, ये ज़्यादा माशाल्लाह। तुम कौन मेरे पीछे नहीं आना, तुम मेरे पीछे नहीं, मैं पीछे जाऊँगी नहीं, मैं अपना अलग रास्ता से आऊँगी, तुम अपना अलग रास्ता से जाओ, मैं अपना अलग रास्ता से जाऊँगी, तुम अपना अलग रास्ता से जाओ। गाइस ये है दूसरी वाली डेग, अभी इसमें ना क्या बोलते नियाज बनी थी ना, तो इसलिए इतनी कम है ये। अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं नियाज। क्या बोल रहे बोलो, उर्स के लगा हुआ है पूरा लाइन से, कि उर्स में गर्दी बहुत ज्यादा रहती है ना। क्या कर रहे पूरा मार्केट है ये, और यहाँ पर जैकेट वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं।
ये वाला बंडल आता है। सो जने आराम से कर लेंगे। गाइस अभी निकलने की पैकिंग हो रही है, सब पैकिंग चालू है। यहाँ पे वाजिद अपने पैक कर रहे हैं, मेरा ऑलरेडी पैक हो चुका है। यहाँ पे वाजिद का भी पैकिंग चल रहा है, शूज़ वगैरह भी सब रखना है, सब चीज़ें रखना है अभी। और एक तो वेट ज़्यादा होने की वजह से और मुझे सामान लेने नहीं मिल रहा है। फ़्लाइट में बहुत टेंशन रहता है कि वेट ज़्यादा हो गया तब सामान नहीं ले पाएंगे। अभी हमारा चेकआउट हो रहा है, हम जा रहे हैं वे टू बॉम्बे। लिफ्ट आ रही है हमारी, पहले कुछ खाएंगे, जब तक नीचे लॉबी में रखेंगे बैग को। और हम जा रही है तो बोलो ना अंकल। इस पहले अभी कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। झाड़ू मारेगा नहीं, फिर रुकना पड़ेगा। उधर का हो गया है ना, तो चलो चलो कॉर्नर में, इधर कॉर्नर में चलो ना एकदम। मटर का ये फेमस डिश है और ये हो गया पूरा खत्म। गाइस ये है वो होटल की पहचान, कुकड़ुकू। देखे होंगे आप लोगों ने, एकदम दरगाह गेट से बाजू में है, सेकंड नंबर गेट। हाँ ये सेकंड नंबर गेट है, देखो सेकंड नंबर गेट और ये रेस्टोरेंट। लास्ट टाइम ये दूध पी रहे हैं और वाजिद छुट्टा लेने गए थे, उनको क्या हुआ था? कोई एक अंकल थे मतलब लोबान, तो उनके हाथ में तो गलती से लग गया। लगा तो नहीं ना तुमको? लेकिन अच्छा लगा, साठ लग गया। हाँ ना, नया आज ही पहने ना, तो इतना पता नहीं चल रहा है, नहीं इतना पता। लास्ट डे पी लो। ओके मुझे खाना था आइसक्रीम ठंडी। लास्ट खा लो बेटा पहले। अच्छा क्यों, अपने नहीं मिलती इधर की ना, यहाँ पे। हाँ हाँ सिर्फ वेनिला, कल ही मैंने खाई थी बहुत मस्त थी, तो आज भी मैं इसको खाऊंगी। लास्ट दिन बर्फ बर्फ जैसा रहता है, एकदम तेज बर्फ रहता है। हाँ ये ओरिजिनल है। चलो तो भाई जयपुर के लिए निकल चुके हैं अभी। अभी फिर भी यहाँ से जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आगे जाम बता रहा है भाई बोल रहे हैं। अभी देखते हैं पहुँच जाएंगे 10-10:30 बजे तक पहुँच गए तो भी बहुत है। 12 बजे की फ्लाइट करके फिर मिलते हैं इधर जयपुर एयरपोर्ट पे। बाय। बस एयरपोर्ट पहुँचने वाले थोड़े टाइम में। कितना टाइम लगेगा अंकल अपने को अभी? 10-11 मिनट में बस पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। फिर अंदर देखते हैं क्या है। ओ मैडम क्या वहाँ सो के उठे? हाँ सो गए थे क्यों? नहीं नहीं तो सोए थे। अच्छा कश्मीर से आ रहे क्या? और तुम क्या है? मैं नहीं सोया। सोए तो तुम इधर सोए थे। इधर क्या लिखा है? SW फॉक्स। कितना नंबर? देखो देखो
आई बात ठंडी बहुत है। ये अंकल ने क्या चालू किया वाली गाड़ी में? नहीं नहीं मतलब गर्म के हीटर है तो अभी वो नहीं हो रहा ना। अभी थोड़ा देर में पहुँच जाएंगे हम लोग। अंकल इतना माशाल्लाह इतना फास्ट चला है, अगर नहीं चलाते तो हमारा प्लेन उड़ सकता था। यस गाइस एयरपोर्ट आ गए हम लोग, अभी अंदर जाएंगे। आधार कार्ड निकालना पड़े ना। गाइस जयपुर एयरपोर्ट ट्रॉली अंदर से लेंगे। क्या है अपना वो बैग वो करा रहे हैं क्या दू गाइस? बोर्डिंग मिल गया है बट इधर चेकिंग के लिए सारी चीज़ें अभी इसमें डालना पड़ेगा। फोन भी लाइटर ब्यूटर नहीं लाइटर तो नहीं हमारे पास वो चार्जर पावर बैंक यार यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है इधर की वाजी। अरे अभी तुम्हारा पर्स है मेरी वैनिटी नहीं आई तक वाली वेट कर रहे मेरी वैनिटी के लिए। क्या बोले मेकअप करता है क्या? तुमने क्या बोले? बोला मेरी वाइफ का काम इतना सा मेकअप लूंगा बोलना मैं और पूरा मैं थोड़ी करता हूँ। तो कई दिन अभी जा रहे तीन नंबर के इस पर और ऊपर है क्या मुझे एयरपोर्ट कम और मॉल ज्यादा लग रहा है। हाँ सही है ना एयरपोर्ट कम दिख रहा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट में बहुत फर्क है। इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट और जयपुर इंटरनेशनल उन लोग समझ जाते हैं ना गाइस। अभी तो गाइस हम लोग बैठे हैं और अभी मुझे पता चला वाजिद बता रही कि फ़्लाइट डिले हो गई है ना डिले मतलब लेट हो गई थोड़ा सा लेट हुई है ना। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी है तो कॉफ़ी पीते हैं। नो थैंक यू। और मैगी तो बाप रे बस बस हो गया मुझे मैगी सैंडविच ऐसा लग रहा उबला हुआ है। ये बोलते वाइज बोलते मैं अंतर लुखा सैंडविच नहीं खाऊंगा नहीं खाओ यार प्लेन सैंडविच है वो। इधर पे हमारी फ्लाइट लेट हो गई है गाइस अभी एंट्री स्टार्ट हो गई है 20 से 31 तक बिकॉज वो पीछे रहते हैं ना एकदम ऐसा जो बदिन के बच्चे हैं वो पहले जाओ ऐसा भी बोल रहे हैं ना उन लोग। हाँ एजे है उनकी ज़्यादा ऐसा इन लोगों को वापस बिठा दिया है वाजिद। 20 से 31 तक उसने बोल दिया। ये जो आंटी जा रहे हैं ना वाजिद वॉशरूम गई थी ना लगता है आपकी नई शादी हुई है मैं बोली हाँ तो बहुत प्यारे लग रहे हो यहाँ पे ही बोले हाँ अरे उधर ही बोले थे ना मुंबई एयरपोर्ट पे। गाइस अभी हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं शी इज़ माई हस्बैंड
आई हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अब इधर भी चेकिंग सेकिंग है क्या? तो है यहाँ पे ठंडा। मेरा विंडो वाला है और खुद का विंडो वाला बोल रहे हैं। टिकट में दिखाओ नाम किसका लिखा है। टिकट में दिखा नाम किसका लिखा है। हाँ बेटा तो तुम्हारा भी रहेगा तो मैं ही बैठूंगी। ये मुझे स्नैप लेना है।
गाइस ये है हमारा बॉम्बे एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छा। और गाइस मैं वो ट्रॉली लेने जा रही हूँ कि हमारा बैग ना कभी भी आ सकता है, अभी तो आया नहीं है, मतलब पता नहीं कभी आता क्या। चलो मैं एक ट्रॉली ले लेती हूँ। गाइस ट्रॉली के लिए भी इतना आगे जाना पड़ेगा, ट्रॉली के लिए भी इतना आगे जाओ अभी, मतलब वहाँ से निकल जाएगी लेकिन नहीं। वाह कितना अच्छा है ये, बाप रे निकल रही है। लगेज में है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये है किसका और ये है क्या, लेकिन गाइस ये है क्या क्या पता लगेज में, किसी को पता है तो जरूर बताना। गाइस फाइनली हमारे बैग्स आ चुके हैं, मतलब आ रहे हैं, ऑन द वे है, ऑन द वे है, आ रहे हैं। अभी देखो अभी आएगा, थर्ड राउंड घुमा उसके बाद हमारे बैग आए हैं, थर्ड राउंड। मैं ये ट्रॉली भी लेके आ गई फटाफट, और हमारे बैग्स भी आ रहे हैं, वेट करना पड़ा इस थोड़ा। देखो अभी बैग आएगा, आवाज दे के आएगा तो देखो, मैं ऐसे बोलूंगी ना भाई मेरा बैग आएगा, रुको हाँ बस ऐसा करूंगी ना तो हमारा बैग आ जाएगा, ऐसे नहीं ऐसा करूंगी ना ऐसा ऐसा तो हमारा बैग आ जाएगा। फिर ये फिर आया, देखो देखो हमारा नहीं कुछ फाचड़ नहीं, कुछ फाचड़ नहीं है, रुको जरा सब्र, रुको जरा सब्र करो से। लेकिन है किसका ये, क्या है गाइस, अगर किसी को पता है जरूर बताना। ये कंटेनर टाइप के, ए मेरा वाजिद का बैग आया, तुम्हारा ही है ना, बैग का कलर तो फिक्का क्यों हो गया, अरे वो गाइस वो बीच में हो गया। देखो तो गाइस हमारे दोनों बैग आ चुके हैं, चलो पहले बड़ा वाला रखो ना, कैसा वजन हो गया। हाँ ना बहुत वजन हो गया यार बैग अपने, वैनिटी रख दो ना। अभी कहाँ से एग्जिट, इधर से ना, चलो तुम आइए एग्जिट किधर है मालूम है, किधर है ये, यहाँ पर एग्जिट है दिख रहा है, यहाँ पे ये इधर पे। गाइस अभी जाके कैब करना है, और अभी ये फ्लोर कौन सा है लेकिन वैसे वाजिद ये, हाँ ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर थोड़ी है, नीचे है ना। बाहर जाके अभी कैब करते हैं, हाँ चलो ना बाहर तो चलो, और वैसे भी अपने को बाहर मिल भी जाएगी बहुत सारी। बाबा अपने तो कुछ भी गर्मी नहीं है, अरे कुछ भी ठंडी नहीं है, है ना। हाई गर्मी है, हाई गर्मी है।